हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है डू और डज। आप वीडियो को पूरा देखिए। डू और डज का ऐसा यूज़ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। एक बार अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स और कंपिटिशन एग्ज़ाम के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं हमारे कंटेंट की ओर, डू और डज का यूज़। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डू का यूज़ कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैं इसे बोलूँ कि आई डोंट केयर, तो आई इसमें सब्जेक्ट है, तो डोंट यहाँ पे डू लगा है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम किन किन सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज़ करें। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं आई, यू, दे, वी। आपने इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे याद रखना है, आयु देवी। आयु देवी सब्जेक्ट जहाँ भी आता है आपने डू यूज़ करना है। और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो नाम हो सकते हैं, जैसे अजय और विजय। इस तरह के अगर दो नाम आते हैं या दो से ज़्यादा आते हैं तब भी वहाँ हम डू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डज, डी ओ ई एस। डज का यूज़ हम कहाँ करें, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ही, सी, इट एंड एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब कोई नाम है, जैसे अजय है, विजय है, नरेश है, कोई भी नाम हो, एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, वहाँ हम डज यूज़ करेंगे। और ही, सी, इट अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो भी हम डज का यूज़ करेंगे। अब देखिए कि हम डू और डज का यूज़ कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो इसका प्राय हम क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ होता है। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो तो भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू गो टू स्कूल। एग्जाम्पल देखिए, डू यू गो टू स्कूल, तो मतलब पहले हम डू का यूज़ कर रहे हैं। डज ही गो टू स्कूल, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो हम डज का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डू और डज का जो यूज़ है वो हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछते टाइम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले डू और डज यूज़ किया हुआ है। डू और डज हम यूज़ करते टाइम पहले हम ये देखें कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आयु देवी में से है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू यूज़ करेंगे। अगर ही, सी, इट, एनी अदर थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम डज यूज़ करेंगे। तो डू और डज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इसमें सामने वाले से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो इसमें क्या मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें आयु देवी में से आ गया तो हम डू यूज़ करेंगे। और डू यूज़ कर लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ किया आए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो जानना, ऑब्जेक्ट यू तुम्हें, डू आए नो यू। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए आप, क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं, सब्जेक्ट मैं है तो हम डू यूज़ करेंगे। डू आई रन वेरी फास्ट, डू आई रन वेरी फास्ट, क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। नेक्स्ट है, क्या आप गाना जानते हो, क्या आप गाना जानते हो, डू यू नो सिंगिंग, डू यू नो सिंगिंग, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसे जानते हो। उसे के लिए हम यूज़ करेंगे हिम, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो हम डू यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास, क्या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि आई यू देवी, आई यू दे वी,
तो यहाँ सब्जेक्ट है वी। अगर वी सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे। डू वी प्रे टू गॉड, डू वी प्रे टू गॉड। क्या सितारे रात को चमकते हैं? तो यहाँ पे सितारे लिखे हुए हैं ना कि सितारा। तो सितारे लिखे हुए हैं तो हम स्टार्स लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्स हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे। डू स्टार्स साइन एट नाइट, क्या सितारे रात को चमकते हैं? डू स्टार्स साइन एट नाइट। क्या वे पार्टी का आनंद लेते हैं? तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे वे, वे के लिए हम दे यूज़ करेंगे। दे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डू और डज में से डू आएगा। डू दे इन्जॉय द पार्टी, डू दे इन्जॉय द पार्टी। नेक्स्ट देखिए, क्या चपरासी घंटी बजाता है? क्या चपरासी, तो यहाँ पे प्योन, प्योन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ डज यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आयु देवी में से नहीं है तो हम यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। डज प्योन रिंग द बेल, डज प्योन रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाता है। नेक्स्ट है, क्या वह अंडे खाता है? तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे वह लिखा हुआ है, वह सब्जेक्ट है तो हम डज यूज़ करेंगे ना कि डू। डज ही ईट एग्स, डज ही ईट एग्स। नेक्स्ट है, क्या वह सभी का ध्यान रखता है? क्या वह, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। डज ही टेक केयर ऑफ एवरी वन, डज ही टेक केयर ऑफ एवरी वन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस है जिनको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिनमें नहीं का यूज़ होता है हिंदी वाक्यों में, और इंग्लिश वाक्यों में हम नोट का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए आप कैसे होता है। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, आयु देवी में से अगर सब्जेक्ट हो तब हम डू यूज़ करेंगे, अगर ही सी इट एनी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम डज यूज़ करेंगे। वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू और डज में से दोनों में से एक यूज़ करना है, और उसके बाद में हमने नोट लगा देना है। नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, पहले पूरा ध्यान से समझिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। मैं फल नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पे नहीं है बीच में, तो मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और मैं, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो मैं के लिए हम इंग्लिश में आई यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आयु देवी में से है तो हम डू यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट आई लिख दिया, उसके बाद में हमने डू यूज़ किया। डू के बाद में हम नोट यूज़ कर रहे हैं। लेना होता है इंग्लिश में टेक, और फल है वो फ्रूट्स। आई डोंट टेक फ्रूट्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट टेक फ्रूट्स, लेकिन हम थोड़ा इंग्लिश को और स्मूथ बनाने के लिए डू और नॉट को एक साथ बोलते हैं डोंट, आई डोंट टेक फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो हम डू यूज़ करेंगे। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। I don't know him, I don't know him। मैं उसके साथ नहीं जाता हूँ, मैं उसके साथ नहीं जाता हूँ, उसके साथ नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए हमने him यूज़ किया है, और मैं सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम I यूज़ कर रहे हैं, तो I के साथ हम do यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर सब्जेक्ट आयु देवी में से है तो हम do यूज़ करेंगे। I do not go with him, I do not go with him, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं स्मूथ बनाने के लिए, आई डोंट गो विद हिम। नेक्स्ट है हमारे पास वह, सॉरी यहाँ वह की जगह वे आना चाहिए था, वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर वे है तो वे के लिए हम इंग्लिश में दे यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट आयु देवी में से आ गया तो हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे। वे खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दे डोंट ईट फूड। नेक्स्ट है, राम और श्याम मंदिर नहीं जाते हैं, राम और श्याम मंदिर नहीं जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट आयु देवी में से या एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो राम और श्याम यहाँ पे दो हो गए तो ये सिंगुलर नहीं रह गया, ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ पर भी डू यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू टेम्पल, राम एंड श्याम डोंट गो टू टेम्पल, राम और श्याम मंदिर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू। सब्जेक्ट आई यू देवी में से आई दे वी यू,
यू सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे। यू डोंट नो हिम, यू डू नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, देखिए आप, राम अपने घर नहीं जाता है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने सॉरी ऊपर इंग्लिश वाले सेंटेंस में मैंने ही लगा दिया है, ही की जगह यहाँ पे राम आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे राम डज नॉट गो टू हिज होम, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हम डू और डज में से डज यूज़ करेंगे और डज के बाद में नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ही की जगह राम आएगा, राम डज नॉट गो टू हिज होम, राम अपने घर नहीं जाता है, इसको थोड़ा आप सुधार कर लें, ही की जगह राम कर लें। अजय जूते नहीं पहनता है, अजय यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डू और डज में से डज यूज़ करने वाले हैं। अजय डज नॉट वियर शूज, अजय डज नॉट वियर शूज, वह शराब नहीं पीती है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है और पीती लास्ट में आया है तो हमें पता लग गया कि ये जो सब्जेक्ट है वो लड़की है, तो वह के लिए हम शी यूज़ करेंगे और डू और डज में से डज यूज़ करेंगे। शी डज नॉट ड्रिंक वाइन, शी डज नॉट ड्रिंक वाइन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, शी डजेंट ड्रिंक वाइन, वह शराब नहीं पीती है। तो फ्रेंड्स आज हमने डू और डज का जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडशिप सर्किल में भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे अलविदा, थैंक यू।